नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम से रिलेटेड एक न्यूज कटिंग छपी है। ये दैनिक भास्कर में कुशेत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है ये, क्योंकि जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी यूजीसी ने और हमारी जो प्रदेश सरकार है खट्टर सरकार, उन्होंने फैसला लिया था कि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट कर देंगे। लेकिन यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसके बाद जो सरकार है कोई भी फैसला नहीं ले पाई है फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो ये न्यूज कटिंग छपी है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। भविष्य की चिंता, छात्र संगठन बोले सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए जल्द फैसला लिया जाए। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर सरकार नहीं ले पाई फैसला, अभी तक सरकार जो है हमारी हरियाणा सरकार कोई भी फैसला नहीं ले पाई है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और संबंधित कॉलेजों के अंतिम सेमेस्टर के प्राइवेट व दूरवर्ती के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर प्रदेश सरकार 17 दिन बाद भी कोई फैसला नहीं ले पाई है। सरकार की ओर से सभी सेमेस्टर और वर्ष के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा दिए प्रमोट करने का आदेश जारी किए गए थे। जो हमारी हरियाणा सरकार है उन्होंने आदेश जारी किया था कि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट को हम प्रमोट कर देंगे। इस पर केयू प्रशासन की ओर से प्रमोट करने का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया गया था, लेकिन इस बीच 6 जुलाई को यूजीसी और एमएचआरडी की ओर से सितंबर के अंत तक अंतिम वर्ष की परीक्षा व अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस नई गाइडलाइन पर अब प्रदेश सरकार को फैसला लेना है कि परीक्षाएँ करवाई जाए या फिर बिना परीक्षा के ही विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाए। यूजीसी के परीक्षा करवाने के आदेश के खिलाफ विभिन्न छात्र संगठन रोष जता चुके हैं, लेकिन यूजीसी की ओर से अभी तक परीक्षा करवाने को लेकर लिया फैसला वापस नहीं लिया गया है। वहीं 15 दिन बीतने के बावजूद भी यूजीसी के निर्देशों पर प्रदेश सरकार की ओर से भी फैसला नहीं लिया गया है। इसके चलते विद्यार्थियों को उलझन बढ़ गई है कि उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। स्नातकोत्तर में आवेदन भरने की अंतिम तिथि 7 अगस्त है। जिन्होंने पीजी में एडमिशन लेना है उनकी जो एडमिशन की अंतिम डेट है वो 7 अगस्त है। अब तक फाइनल ईयर का रिजल्ट ही नहीं आया, तो वो कैसे सेमेस्टर के ना ही रिजल्ट आया ना ही एग्ज़ाम हुए हैं, तो वो एडमिशन के आवेदन कैसे भर सकते हैं। अंतिम वर्ष और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में दाखिला लेना है। स्नातकोत्तर कोर्सेज में आवेदन फार्म भरने के लिए केयू की ओर से 7 अगस्त अंतिम तिथि निर्धारित की है, लेकिन अब तक विद्यार्थियों का परिणाम ही घोषित नहीं हो पा रहा है। विद्यार्थियों को दाखिला का आवेदन भरने के लिए अपने परिणामों की ज़रूरत है। इस बार स्नातक के परिणामों के आधार पर ही विभिन्न स्नातकोत्तर कोर्सेज में दाखिला होने हैं। बिना परीक्षा परिणाम के विद्यार्थी अपना आवेदन फार्म नहीं भर पा रहे हैं, तो जब तक फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो अपना आवेदन नहीं भर सकते। इसलिए जो छात्र है वो संशय में बने हुए हैं कि हमारे एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो जो भी न्यूज़ होगी वो देखते हैं हमारी जो प्रदेश सरकार है वो क्या डिसीजन लेती है इस पर। इधर छात्र संगठन क्या बोल रहे हैं, जल्द विद्यार्थी हित में फैसला ले सरकार। छात्र संगठन कूसा के प्रधान विकास बलाही, GBSO के प्रधान सुमित चौधरी, डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन राजीव सबरवाल और SFI के छात्र नेता मोहित बुरा ने प्रदेश सरकार से जल्द छात्र हित में फैसला लेने की मांग की है। इन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द जो हरियाणा सरकार है वो कोई फैसला ले, ताकि जो विद्यार्थियों के बीच संशय बनी हुई है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो ख़त्म हो सके। सरकार की गाइडलाइन का इंतजार। KU के लोक संपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि UGC की परीक्षा करवाने की गाइडलाइन आने के बाद प्रदेश सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। इस बारे में प्रदेश सरकार के स्तर पर फैसला लिया जाना है। सरकार के फैसले के अनुसार पहले भी यूनिवर्सिटी ने अधिसूचना जारी की थी और अब भी यूनिवर्सिटी सरकार का फैसला आने के बाद परीक्षा परिणाम को लेकर कार्रवाई करेगी। जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र है वो कह रही है कि हमने पहले भी जो हरियाणा सरकार है उनकी गाइडलाइन के आधार पर ही हमने फॉर्मूला तैयार किया था पास करने का, और अब भी जो सरकार है वो कुछ फैसला लेगी UGC की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, तो ही हम कोई फैसला लेंगे परीक्षा को लेकर। तो देखते हैं कि हरियाणा सरकार क्या फैसला लेती है। जहां तक लगता है कि वो आपके हक में होगा फैसला फाइनल ईयर के स्टूडेंट के, क्योंकि जो कोरोना महामारी है वो फैलती जा रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे।
तो ये थी पूरी न्यूज फाइनल ईयर के एग्ज़ाम से रिलेटेड। आगे आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम से रिलेटेड। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल सके। धन्यवाद।